हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करने वाले हैं, यानी जनवरी से दिसंबर के बीच आपके कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं और वो कब मनाए जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चाहे आप कक्षा 6 से 12 के छात्र हो या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस या उनकी तिथियां, यानी जनवरी से जनवरी महीने की, यानी जनवरी महीने में कौन कौन से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं और वो कब मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले है आपके प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। उसके बाद में है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस है, ये कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये दोनों ही 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। यानी एक तो 25 जनवरी को एक तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आता है और दूसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बारे में तो आप काफ़ी जानते हैं, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। उसके बाद में है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस है ये कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। तो ये जो भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, ये मैंने जनवरी महीने के आपको बता दिए हैं, अच्छे से आपको याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके फरवरी। तो फरवरी में 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं, जिसमें पहला आपके है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो आपकी विज्ञान की बुक में आता है। चाहे आप कक्षा 6 से 12 के स्टूडेंट हो, विज्ञान की बुक में आपको मिलता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मार्च। तो मार्च में आपके पहला है विश्व किडनी दिवस। तो विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, 2nd गुरुवार, यानी मार्च का जो 2nd गुरुवार है उसको क्या मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपके विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके विश्व विकलांग दिवस या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये दोनों 15 मार्च को मनाए जाते हैं। यानी 15 मार्च को विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके विश्व वन दिवस। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। और विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। ओके, ये आपको अच्छे से याद करने हैं मार्च महीने के। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल महीने की। तो अप्रैल महीने में सबसे पहले आपके अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपके विश्व स्वास्थ्य दिवस।
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और उसके बाद में विश्व विरासत दिवस, तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके भारतीय सिविल सेवा दिवस, तो भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपके विश्व मलेरिया दिवस, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट मई महीने की, तो मई महीने में सबसे पहले आपके माँ दिवस यानी मदर्स डे, ओके। तो मदर्स डे या माँ दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने के सेकंड रविवार को, मई महीने के सेकंड रविवार को क्या मनाया जाता है? माँ दिवस यानी मदर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और उसके बाद में है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके 11 मई को मनाया जाता है। और विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। और राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो मई महीने के भी जितने भी आपके दिवस हैं ये सब आपको कंप्लीट याद करने हैं, और साथ में आप इनको लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद में है जून, यानी जून महीने में आपके कौन कौन से दिवस आते हैं, तो सबसे पहले आपके पिता दिवस यानी फादर्स डे, तो फादर्स डे है वो कब मनाया जाता है? यानी जून महीने के 3rd रविवार को, जून महीने के 3rd रविवार को क्या मनाया जाता है? पिता दिवस मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके वर्ल्ड मिल्क डे, ये कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, ये भी आपको याद करना है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। उसके बाद में आपके जुलाई महीने में, और जुलाई महीने में आपके कौन कौन से दिवस आते हैं, तो जिसमें पहला है आपके चिकित्सक दिवस, ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और सेकंड है विश्व जनसंख्या दिवस, ये आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। और उसके बाद में है आपके अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ये आपके 12 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, ये कब मनाया जाता है? आपके 18 जुलाई को। और राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, ओके। ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में अगस्त महीने में, अगस्त महीने में आपके कौन कौन से दिवस हैं, जिसमें पहला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1st रविवार, यानी अगस्त महीने के 1st रविवार को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। सेकंड है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। भारत छोड़ो दिवस, ये कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। और भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो ये तो आपको भी पता है। उसके बाद में राष्ट्रीय खेल दिवस, ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। उसके बाद में है सितंबर महीने में, तो सितंबर महीने में सबसे पहले आपके टीचर्स डे आता है, यानी टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, यह आपके 5 सितंबर को मनाया जाता है, अच्छे से आपको याद करना है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में हम बात करें अक्टूबर महीने की, तो अक्टूबर महीने में सबसे पहले आपके अंतर्राष्ट्रीय वर्ध दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और सेकंड है आपके गांधी जयंती या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये कब मनाए जाते हैं? दोनों 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, आपको अच्छे से याद करना है। और नेक्स्ट है आपके भारतीय वायुसेना दिवस, तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक आपदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस, ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर।
और संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। और राष्ट्रीय एकता दिवस ये आपके कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ओके, अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में नवंबर महीने की हम बात करें तो नवंबर महीने में सबसे पहले आपके राष्ट्रीय पक्षी दिवस, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। और उसके बाद में है बाल दिवस या डायबिटीज दिवस, बाल दिवस या डायबिटीज दिवस कब मनाए जाते हैं? 14 नवंबर को। यानी 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है और डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। और यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। और राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ओके, उसके बाद में हम बात करें दिसंबर महीने की, तो दिसंबर महीने में कौन कौन से दिवस आते हैं? जिसमें पहला है आपके विश्व एड्स दिवस, यानी विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और सेकंड है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो इसकी पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके अच्छे से आप इनको याद कर सकते हैं।